मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद, मेरे साथ है आरती। आपका स्वागत है एक बार फिर से न्यूज एक्सप्रेस में। यूट्यूबर भुवन बाम, जो कि अपनी वीडियो से आए दिन लाइमलाइट में बने ही रहते हैं, उनकी एक भी ऐसी वीडियो नहीं होती जो ट्रेंडिंग में ना जाए। जी हाँ, भुवन बाम का नाम ही इतना है। अगर आप भुवन बाम से समझ नहीं पा रहे हैं तो ये है बीबी की वाइंस वाले भुवन बाम। हाँ जी, अब बात ऐसी है दोस्तों कि जेएनयू हिंसा को लेकर भुवन बाम ने अपनी बात कही है और इवन ये भी बताया है कि उन्हें धमकियां मिली, ये कि काट देंगे तुम्हें, मार देंगे तुम्हें। अब इस पूरे मामले में क्या है, आखिर क्या हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई, आपको आरती जी बताएंगी आखिर क्या है पूरा मामला। एग्जैक्टली तन्वी, दरअसल ये बात तो सभी जानते हैं कि भुवन बाम कितने बड़े यूट्यूबर हैं और लोग उनको कितना पसंद करते हैं, उनके वीडियोस कितने ज़्यादा लाइक होते हैं और जो भी वो वीडियो डालते हैं वो सारे ही ट्रेंड करते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया ही। तो भुवन बाम बेसिकली अपने यूट्यूब वीडियोस की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोगों के अंदर वो लोगों को वो बहुत पसंद आते हैं। दरअसल हुआ ये कि जेएनयू को लेकर उन्होंने एक कुछ ट्वीट किए थे, जिसके बाद से ये सारा विवाद बढ़ा और उनको धमकी दी गई कि तुझे काट देंगे। हुआ ये था कि भुवन बाम ने एक ट्वीट किया और वो मैं आपको बताई थी भुवन बाम ने आखिरकार ट्वीट करके कहा क्या था। उन्होंने कहा कि ट्वीट करता हूं तो लोग पूछते हैं कौन सी पार्टी से पैसे मिले हैं। पैसे भैया, मेरा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। 25 साल का हूं, अपने काम से देश का नाम रोशन करना चाहता हूं। हर नागरिक की तरह देश में अमन और शांति चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि इसी ट्वीट के लिए उनको धमकी दी गई और उस ट्वीट में क्या कहा था वो भी मैं आपको बताती हूँ। उस ट्वीट में ये कहा गया था, एक ट्वीट के लिए मुझे धमकी दी गई थी, फ़ोन पर कहा कि काट देंगे तुझे, बिना सिक्योरिटी वाला मिडिल क्लास बच्चा क्या करता, चुप रहा, नंबर रिपोर्ट किया, आज भी गालियाँ पड़ सकती हैं, लेकिन मुझे देश प्यारा है, ईमानदार हूँ, इंसान हूँ, जय हिंद। इसके बाद दरअसल जब उन्होंने ये वाला ट्वीट किया तो इसके बाद एक और शख्स ने उनको ट्वीट करके सवाल किया और शख्स ने सबसे बड़ी बात ये थी, महेंद्र सिंह धोनी की प्रोफाइल लगाई थी, अपनी खुद की डीपी नहीं लगाई थी। तो इस पर भी बाद में भुवन बाम ने जवाब दिया और उस शख्स ने भुवन बाम से सवाल किया कि सो जेएनयू वाले हिंदू के खिलाफ, भारत के खिलाफ कुछ भी बोले तो सब चुप रहें, अंदर घुस घुस कर मारो जेएनयू वालों को, जय हिंद। इसके जवाब में भुवन बाम ने उनको कहा कि भाई पहले अपना डीपी तो सही कर लो, क्योंकि जिस शख्स ने ये सवाल उनसे पूछा था उसने अपनी डीपी में महेंद्र सिंह धोनी को लगाया हुआ था। तो भुवन बाम ने उसका रिप्लाई करते हुए, ट्वीट करते हुए कहा कि आपकी बातों को लोग तभी सीरियसली लेंगे जब आप अपनी डीपी में खुद का फोटो लगाओगे, जो बोल रहे हो उसी को टेररिज्म कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का लिहाज तो कर लो कम से कम। तो तन्वी, दरअसल ये था पूरा मामला और इस तरह से भुवन बाम को ये धमकी दी गई थी कि तुझे काट देंगे और भुवन बाम ने इस बात को लेकर कहा भी है कि मैं एक बहुत ही साधारण सा लड़का हूँ और अगर कोई मुझे ऐसे धमकी देता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक रिपोर्ट ही करवा सकता हूँ और तो कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल दोस्तों, साथ ही साथ भुवन बाम को ट्रोल भी किया गया और ये भी बोला गया कि तुम खुद ही अपनी जो वीडियोस डालते हो उसमें गालियां होती है, तुम क्या देश को अच्छा करोगे, तुम क्या देश के लिए कुछ करोगे, तुम क्या नाम रोशन करोगे, जिस पर भी भुवन बाम का अच्छा रिप्लाई आया है, आप ये ट्वीट देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है भुवन बाम ने जो भी अपने ट्वीट्स में कहा वो सही या नहीं, आप कितने सहमत हैं भुवन बाम के साथ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कोशिश करें कि आज वो सारी नेगेटिविटी की बातें ना करें, हम प्यार भेजें उनको यहाँ से।
आए दिन वो मुझे आईने में दिखता है। सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूँ, पर मैं तो हिजाब में हूँ। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूँ खुद को, पर मैं तो महताब में हूँ। क्या मैं मौलवी की दुआ हूँ या मैं आरती का धुआं हूँ? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? रात में सूरज लाने का वादा करके दिन में रात उगा कर दिखला दी तुमने, पानी पानी कह के बरसाया तेजाब और एक आग लगा कर दिखला दी तुमने। क्या बात है, क्या बात है। हम मायूस नहीं हैं, हम हैरान नहीं, सच भी झूठा झूठा लगने लगता है। क्या बात है, सच भी इतना झूठा लगने लगता है, झूठ भी इतनी सच्चाई से बोलते हो। क्या बात है, सच भी इतना झूठा लगने लगता है, झूठ भी इतनी सच्चाई से बोलते हो। फर्क कहाँ करते हो तुम बाशिंदों में,
बस मजहब के कांटे पर ही तोलते हो। क्या बात है? हम मायूस नहीं हैं, हम हैरान नहीं है। दस्तूर कि सुबह होने से पहले रातों का गहरा हो जाना लाजिम है। दस्तूर कि सुबह होने से पहले रातों का गहरा हो जाना लाजिम है। जुल्म बढ़ाओ अभी तुम्हारे जुल्मों का हद से बाहर भी हो जाना लाजिम है। हम मायूस नहीं हैं, हम हैरान नहीं, जैसा सोचा था तुम वैसे ही निकले। क्या बात है?